सी शार्प यानी पहली काली को सामान करके अगर बिलावल थाट हम बजा रहे हैं, यानी बिलावल का अभ्यास कर रहे हैं, बिलावल का स्वर लगा रहे हैं, और वही चीज अगर हम दूसरी काली को यानी डी शार्प को सामान करके बजा रहे हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, या फिर एफ शार्प को सामान करके बजाते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ए शार्प को पांचवी काली को सामान करके बजाते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं, इसलिए आज की वीडियो आप पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। तो एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे कि हर लोगों का स्केल अलग अलग होता है, हर लोगों का स्केल अलग अलग होता है। कोई सी शार्प से गाता है, कोई डी शार्प से गाता है, कोई एफ शार्प से गाता है, कोई जी शार्प से गाता है। अभ्यास करने का सबका अपना अपना अलग अलग स्केल होता है। बहुत सारे लोग यहां से अभ्यास करते हैं, यहां से भी अभ्यास करते हैं, बहुत सारे लोग यहां से भी अभ्यास करते हैं, यहां से भी यानी मध्य सप्तक के चौथी काली से भी अभ्यास करते हैं, मध्य सप्तक के पांचवी काली से भी अभ्यास करते हैं, या फिर मध्य सप्तक के पहली या दूसरी काली से भी अभ्यास करते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। आप किसी भी स्केल से अभ्यास करते हो, किसी भी स्वर से अभ्यास करते हो, एक ऐसा तरीका मैं लाया हूं कि आप उसके आधार पर किसी भी स्केल से आप अभ्यास कर रहे हो और उसके आधार पर आप अपने स्केल का चुनाव करके और किसी भी राग के स्वरों को निकाल सकते हैं, किसी भी थाट के स्वरों को बड़ी ही आसानी से निकाल करके आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो वॉच करें, थोड़ा भी वीडियो स्किप करके आप भगा करके देखेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आइए इसको लिख करके हम समझेंगे। पहले हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 12 स्वर हैं, हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 12 स्वर हैं, तो 12 स्वरों को पहले हम क्रमानुसार लिखेंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ये 12 स्वर हैं हमारे, 12 स्वर, ठीक है, इसको हम पहले लिख लेंगे क्रमानुसार। 12 स्वर के लिए हम 12 पहले अंक दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हमारे स्वर हैं। 12 स्वर कैसे हैं क्रमानुसार उसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्वर होता है सा, उसके बाद है रे, कौन सा रे है, कोमल रे है। कोमल रे का चिन्ह क्या है, नीचे एक पड़ी रेखा होती है, ठीक है, उसके बाद है शुद्ध रे, ठीक है, इसमें कोई चिन्ह नहीं होता। उसके बाद है कोमल ग, कोमल ग का चिन्ह है नीचे पड़ी रेखा, उसके बाद है शुद्ध ग, फिर है म, यह शुद्ध म है, फिर है तीव्र म, तीव्र म का चिन्ह क्या है, ऊपर पड़ी रेखा है, ऊपर एक खड़ी रेखा है, उसके बाद है प, उसके बाद है कोमल ध, उसके बाद है शुद्ध ध, फिर है कोमल नी, फिर उसके बाद है शुद्ध नी, कोमल नी के नीचे पड़ी रेखा रहेगी। ये हमारे 12 क्रमानुसार स्वर हो गए। अब मान लो कि इसमें हमको बिलावल का स्वर निकालना है, बिलावल थाट का स्वर निकालना है, तो इसमें से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बिलावल थाट में यानी बिलावल राग में या बिलावल थाट में, बिलावल राग भी है और बिलावल थाट भी है, तो बिलावल थाट का स्वर हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, बिलावल थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं पहले ये हमें देखना है। तो बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, इसमें हम सभी देखेंगे, बिलावल थाट को भी देखेंगे, भैरव को देखेंगे, भैरवी के देखेंगे, सभी रागों को भी हम इसमें आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी राग का किसी भी थाट का हम स्वर इससे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बिलावल का अगर निकालना होगा तो बिलावल में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है, तो सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, तो इसमें जितने सारे विकृत स्वर हैं यानी कोमल स्वर और तीव्र स्वर, इसको विकृत स्वर करते हैं, जो कोमल है और तीव्र है उसको विकृत करते हैं, बाकी सभी इसमें शुद्ध स्वर हैं। तो बाकी इसमें जितने भी विकृत स्वर हैं, विकृत स्वरों को छोड़कर के शुद्ध स्वर को हमें निकाल लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिलावल थाट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें सा,
ठीक है। दूसरे स्वर को हम छोड़ेंगे क्योंकि ये कोमल है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा है, रे, ये शुद्ध रे, ठीक है। फिर चौथे नंबर को छोड़ेंगे, पांचवे नंबर पर क्या है, शुद्ध ग, शुद्ध ग हमें निकालना है। फिर उसके बाद छठे नंबर पर है शुद्ध म। फिर सातवें नंबर को छोड़ना है क्योंकि यह तीव्र म है, हमें निकालना है आठवें नंबर को प, ठीक है। उसके बाद नौवें नंबर को छोड़ना है क्योंकि यह कोमल है, हमें निकालना है शुद्ध, तो दसवें नंबर पर शुद्ध है क्या, ध, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है बारहवें नंबर को शुद्ध नि, सा रे ग म प ध नि, ये सात शुद्ध स्वर हमारे निकल गए। अंत में तार सप्तक का हम साइस में लगा देंगे, एक और सा लगा देंगे, ये हमारा बिलावल थाट का स्वर हो गया, ठीक है। ये बिलावल, बिलावल का स्वर निकल गया। अब मान लो कि इसमें हमको भैरवी का स्वर निकालना है, राग भैरवी या थाट भैरवी जो भी आप कहें, इसमें अगर हमको भैरवी का स्वर निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो भैरवी स्वर में क्या लगते हैं, भैरवी स्वर में सारे कोमल स्वर लगते हैं, जितने कोमल स्वर हैं वो सारे के सारे कोमल स्वर भैरवी में लगते हैं, यानी रे ग ध और नि, ये चारों कोमल स्वर भैरवी में लगते हैं। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, चार ही कोमल स्वर होते हैं, तो भैरवी को निकालने के लिए सबसे पहला हम लेंगे सा, दूसरा कोमल रे, इसमें हमने शुद्ध रे लिया था क्योंकि बिलावल में शुद्ध रे लगता है और भैरवी में कोमल रे लगता है, तो दूसरे नंबर वाले स्वर को हम ले लेंगे कोमल रे, ठीक है। तीसरे नंबर को गैप करेंगे हम, चौथे नंबर को लेंगे क्योंकि ग भी यहां पर कोमल लग रहा है भैरवी में, ठीक है, तो ग को भी लेंगे कोमल ग, शुद्ध ग को छोड़ेंगे, म को लेंगे, यहां पर मध्यम शुद्ध लगता है, यानी म शुद्ध लगता है भैरवी में, ठीक है। प लेंगे, ध भी कोमल लगता है तो ध को लेंगे हम, नौवे नंबर पर ध है, ठीक है। दसवें नंबर पर शुद्ध है, इसको गैप करेंगे, ग्यारहवें नंबर पर कोमल नहीं है, ग्यारहवें नंबर पर कोमल नहीं है, इसको लेंगे और फिर इसमें तार सप्तक का सा हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा भैरवी थाट का स्वर हो गया, सा कोमल रे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी और तार सप्तक का सा, ठीक है। ये हमारा भैरवी थाट का स्वर हो स्वर हो गया, सॉरी भैरवी, ये भैरवी थाट का हमारा स्वर तैयार हो गया। किसी भी थाट का, किसी भी राग का आप स्वर इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो कि इसमें काफी थाट का हमें स्वर निकालना है, काफी थाट का इसमें स्वर निकालना है, तो काफी थाट का स्वर निकालने के लिए क्या करना है हमको, काफी थाट का स्वर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काफी थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं, सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, दो स्वर उसमें कोमल लगते हैं, कौन कौन से, ग और नी, ग और नी कोमल लगते हैं, तो ग नी कोमल लगा करके बाकी स्वर शुद्ध कर देंगे। तो सबसे पहला हम लेंगे सा, दूसरा लेंगे शुद्ध रे, तीसरा लेंगे ग, तो इसमें कौन सा ग लगता है, कोमल ग लगता है, ये चौथे नंबर पर कोमल ग है, फिर लेंगे म, फिर लेंगे प, फिर लेंगे ध, इसमें शुद्ध द लगता है, ठीक है, और फिर लेंगे नी, इसमें नी कौन लगता है, कोमल नी लगता है। अब आप यहां देखिए, ये क्या हो गया हमारा, काफी थाट का स्वर निकल गया, सा रे कोमल ग म प ध और कोमल नी, तार सप्तक यहां पर सा लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा काफी थाट का स्वर निकल आया, ठीक है। और इसी तरह आप हारमोनियम पर भी इस चीज को बजा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप किसी भी थाट के स्वरों को इस ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।